उपस्थित है आनंद मार्ग वृद्धाश्रम में, और यहाँ जो है बूढ़ी दादी सब हैं, माएँ सब हैं, जो कि इन लोगों का स्टोरी हम जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर जो है वृद्धाश्रम में आने का कारण क्या है। चाची इधर आइएगा थोड़ा सा। चाची घर कहाँ छो? हमारा हरचंद्रपुर टीशन है, बडुआरी घर है। क्या दिक्कत हुआ कि आप वृद्धाश्रम में आए? अरे बार हम लोग को तो बहुत मार मारा है, घर से घिसिया के भगा। आपका कई बेटा है? हमारा बेटा नहीं है। कई बेटी? तीन बेटी है। तीन बेटी मर गया, तीन महीना हुआ। बेटी सब नहीं देखती? नहीं, हमारा छोटी बेटी, बड़ी बेटी, छोटी बेटी या मझली बेटी कुछ नहीं बोला। बड़ी बेटी सब झूठ बोल के सब जमीन दिखा लिया, झूठ बोल के चार कट्ठा मंगा, चार कट्ठा देने गया, तीन बीघा अढ़ाई कट्ठा जमीन था, सब ले लिया दिखा। कितना जमीन था आपके पास? तीन बीघा अढ़ाई कट्ठा है। तीन बीघा अढ़ाई कट्ठा आपके पास जमीन था। आपका बड़ा बेटी जो है वो लिखा लिया, धोखे से लिखा? हाँ, वो हाकिम से पूछे, हाकिम जी भी झूठ बोला। हाकिम बाबू कटो जमीन लिख रहे, चार कट्ठा। बाबू कटो जमीन लिख ले चार कट्ठा। हाकिम वहाँ पूछता है ना कि जमीन कितना लिख रहे? वो नहीं पूछा, हम पूछे हाकिम बाबू से, बाबू कटो जमीन लिख तो चार कट्ठा, बाबू कटो जमीन लिख तो चार कट्ठा। हाकिम झूठ बोला, देखिए चार कट्ठा जमीन बोल के आपको एकदम पूरा जमीन आपके पास जितना था सब कुछ लिखा लिया। तब उसके बाद आपको क्या किया? तब घर में आए तो एक महीना हुआ, तब भाड़ा मांगने गए। भाड़ा हमारा घर तीन भाड़ा है, तीन दुकान भाड़ा है। आपका घर भी है? घर दुकान, तीन दुकान है, तीन दुकान से भाड़ा मांगने गए। दे भाड़ा दे, क्या बोलता है तुमको भाड़ा नहीं देंगे, छोड़ा मना किया है जो बुढ़िया का भाड़ा मत देना। बुढ़िया कौन मना किया? भाड़ा वाला बोलता है, नाती मना कर दिया बुढ़िया का भाड़ा मत देना, सब घर जमीन हमारा हो गया है, बुढ़िया का भाड़ा मत दिए, हमारा भाड़ा दिए। मतलब आपको देने के लिए मना कर? मना कर लिया। तो फिर यहाँ कैसे आए? तो यहाँ कैसे, हम मलबारी का नौकरी खट के खाने लगे, दस बच्चा नौकरी खट के खाए मलबारी का। अब देखिए हम बैठे हैं, पकड़ के बैठे हैं, पकूते हैं तो पकड़ के उठते हैं, उठ नहीं पाते हैं। तो अपना भगना से हम बोले, खबर देख बुलाए हैं, बोले भगना हम तो उठने बैठे नहीं पाते हैं, अब हम काम नहीं करेंगे मलबारी का, तो मलबारी हमको रखेगा नहीं ना रखेगा, इतना दिन तो दस बच्चा काम करके खाएँ। एगो पग हमारा बीमारी बेरी था, उसको पूछते हैं छुटकी यहीं पर मारा, तीन महीना हुआ यहीं मारा, यहीं मारा है। कितना दिन पहले आपको निकाला था? कितना दिन पहले जमीन लिखे हो? आठ नौ बच्चर हो गया, दस बच्चर हो गया होगा, दस साल हो गया। दस साल से आपको बेघर करके यहाँ आने से कितना दिन हुआ? इतना से यही एक साल हुआ, काली पूजा का है, काली पूजा आ गया, एक साल यहाँ होने जा रहा। तो आपको जो मारा आपकी बेटी, तो यानी कि जमीन जब लिखे उसके बाद मारा? हाँ, जमीन लिखा लिया तो हम नहीं ना जाने, हम जाने चार कट्ठा दिखाया है, तो हम भाड़ा मांगने गए, महीना लग गया था भाड़ा मांगने गए, तो बोल दे भाड़ा दो, नहीं भाड़ा नहीं देंगे, छोड़ा मना किया भाड़ा देने को, बुढ़िया का जमीन घर कुछ नहीं है, हमारा सब है, हमको भाड़ा देना, तो भाड़ा नहीं दिया। हम बोले भाड़ा नहीं देगा ना तो हम तुम्हारा सामान फेंक देंगे रोड में, ऐसे रोड में, ऐसे हमारा घर है, ऐसे घर है, ऐसे हमारा जमीन है, हम नहीं रोड साइड, हाँ ऐसे रोड में है। तो हम बोले नहीं देगा ना तो तुम्हारा सामान हम रोड में फेंक देंगे, हमको भाड़ा दो। तो जैसे सामान ऐसे उठाए ना, बछड़ा आ गया, हमको उठा के फेंक दिया रोड में। तो देखिए इसकी दास्तान जो है, दिल रोने पे मजबूर हो जाएगा इसकी दास्तान सुन के। दादी माँ है और दादी माँ को एक बेटी जो है जमीन धोखे से लिखाने के बाद जो है उसको घर से निकाल दिया और ये जो है आश्रम में मौजूद है। कोई दिक्कत नहीं ना होता है चाची? यहाँ दिक्कत कुछ का नहीं है। खाना देता है बढ़िया? हाँ सब कुछ, कपड़ा लटा, खाना, तेल, साबुन सब मिलता है, कुछ का तकलीफ नहीं है। मच्छरदानी है? सब कुछ है, सब ओढ़ना बिछना सब कुछ मिलता है, सब सब कुछ मिलता है। और एक दादी है, उनसे हम बात करने का कोशिश करेंगे। क्या नाम है दादी? अनीता। अनीता आप कहाँ से हैं? हम कहाँ, हमारा घर कटिहार, हम बंगाल के हैं, सोनौली में रहते हैं। सोनौली में? हाँ। यहाँ आप कैसे पहुँचे? यहाँ आप कैसे पहुँचे? कोई आदमी बोला है, आश्रम है बस्तर में, आपका घर में गिंजन होता है तो आश्रम चले जाइए शांति के। क्या गिंजन हो रहा है? अरे बेटी पुतोह आजकल नहीं जानते हैं, आजकल पुतोह से शक्ति होता है। पुतोह भगा दिया? भगाए नहीं दिया, अशांति होता है, झगड़ा होता है, माई को खाना चाहता है बेसी, सास को बेसी खाना देना पड़ता है, तो हमको नहीं बर्दाश्त होता है, काहे रोज रोज अशांति करेंगे, हम अपने जान दे के अपने चले आए, नहीं भगाया, नहीं बोला तुम जाओ, हम अपने मन। घर का याद नहीं आता? हाँ, काहे नहीं आएगा। कितना दिन पहले आए? हमारा एक साल हो गया, हम सबसे शुरू में आश्रम में आम ही कदम रखे। शुरू में आप ही रहे? हाँ। यहाँ कोई असुविधा है? सब सब ठीक है, कुछ नहीं असुविधा है, सब कुछ मिलता है। टाइम पे खाना? कई टाइम खाना? खाना रात आठ दिन, अभी 12 बजे मिल गया, फिर रात में 8 बजे मिलेगा रोटी। आपको रोटी? हाँ रोटी। कितने बच्चे हैं आपके? हमरा 7 बच्चा, 4 बेटा 3 बेटी। बेटा बेटी सबका साथ? सब शादी हो गया, कोई नहीं, कोई बहू ऐसा नहीं है कि आपको देखने के लिए? बेटा सब आते हैं? बेटा सब बाहर में है, एक साल दूसरा बाद आता है, खबर देता है माई कहाँ है, आश्रम में है, कहाँ है, सब जानता है। पोता पोती आता है मिलने, फोन करता है,
तो हमारा अभी मन चाहेगा हम चल जाएंगे, तो हम नहीं जाते हैं, जाएंगे आने दी बेटा को। बेटी सब फोन करती है देखने आती है? हाँ, बेटी दामाद सब फोन करता है, सबसे बातचीत होता है। जब आ गया आश्रम में तो पूरा करे बाबा का द्वार में, हमारा यही मकसद है। ये आपने देखा कि एक वृद्धा आश्रम में माँ और दादी की किस तरह से हालत है। बहुत ही इन लोगों का कहना है कि जो खाना और जो व्यवस्था है, आप देख सकते हैं पूरा जो व्यवस्था बहुत ही सुपर व्यवस्था है, व्यवस्था का कोई कमी नहीं। सिर्फ और सिर्फ इसका अगर कमी है तो बेटा और बेटी का कमी है। बेटा और बेटी जो है इन लोगों को घर से बाहर कर दिया, और एक ही आसरा है कि ये वृद्धा आश्रम, यहाँ इन लोगों का कोई असुविधा नहीं है।